आयोजित पत्रकार वार्ता में इटंक व सीटू के नेताओं ने खुले रूप से कहा, दरअसल नयागांव स्थित सीमेंट उद्योग को किसी भी कीमत पर नहीं बिकने देंगे। केंद्र सरकार के इस उपक्रम को केवल 200 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी की जा रही है। नीमच मंदसौर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर कुमार गुप्ता की भी कार्य प्रणाली को भी संदेह के घेरे में बताई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीटू के प्रदेश उपाध्यक्ष बादल सरोज ने कहा कि यह एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। यह प्लांट इसलिए लगाया गया था कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। इस सीमेंट उद्योग को बिकने से रोकने के लिए मजदूर संगठनों, सामाजिक संगठनों, राजनैतिक पार्टियों को साथ लेकर आंदोलन करेंगे। प्रदेश सीटू के महामंत्री कामरेड शैलेंद्र ठाकुर ने कहा कि इस उद्योग को बेचने के बजाय इसको चालू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे अच्छा लाइमस्टोन यहां है, पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा है, रेल एवं सड़क मार्ग से जुड़ा है तथा यहां की फैक्ट्री को केंद्र सरकार बेचना चाहती है। सांसद सुधीर कुमार गुप्ता अब सभी के जनवरी प्रतिनिधि हैं, उनकी मंशा भी ठीक नहीं है। कामरेड किशोर जेवरिया ने कहा कि यह निगम लाभ कमाने वाला निगम है। इस प्लांट को 1997 में बंद कर दिया गया। प्लांट बंद होने के लिए जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का प्रमाण है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीमच जिला इटंक के महामंत्री भगत वर्मा ने कहा कि सीमेंट उद्योग को बेचने से रोकने के लिए इटंक बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। देखिए, नीमच का एक बहुत बड़ा उद्योग है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, इसे सरकार की ओर से बेचने की कोशिश की जा रही है और हमें लगता है कि ये व्यावसायिक रूप से भी एक गलत फैसला है, तार्किक रूप से भी एक गलत फैसला है और नीमच के लिए तो काफ़ी विनाशकारी फैसला है। तो हम लोगों ने सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा है, जिसमें हमने उन्हें टेक्निकल रिपोर्ट भी दी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी दी है और उसमें उनको समझाने की कोशिश की है कि इसे मत बेचिए, इसको चलाइए। अच्छी बात यह है कि उस उद्योग के जो वरिष्ठ जनरल मैनेजर से उन्होंने भी तार्किक रूप से ये बात रखी है, लेकिन हमें पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले फिर उन्होंने उसको 460 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा की है। 3000 करोड़ की संपत्ति 460 करोड़ में चली जाएगी और उससे कोई डेवलपमेंट भी नहीं होगा, ये गंभीर बात है। तो हम चाहते हैं कि इस विनाश के काम को रोका जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि रोजगार के कोई अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं, नई भर्तियाँ होनी नहीं हैं, बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, तो पूरे बाजार में ठहराव आया हुआ है और अगर इस तरीके की विनाश लीला अगर शुरू हो गई तो और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाए। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के पत्रकार संघ सहित तमाम सारे संगठनों ने मिलकर, 26 संगठनों ने मिलकर इसे राजनीतिक आधार से ऊपर उठकर उठाने का फैसला लिया है। इसी तरीके के आंदोलन होने चाहिए, समाज उससे ही चलता है। राजनीतिक पार्टियाँ तात्कालिक होती हैं, सरकारें 5 साल के लिए होती हैं, लेकिन समाज हमेशा के लिए होता है। ये एकता अभिनंदनीय एकता है, अब इसको आखिर के मुकाम तक ले जाएंगे। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अगर ऐसी एकता बनेगी तो हम CCI को बचा सकते हैं। हम यहाँ के सांसद महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि वो जीतने के पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, लेकिन जीतने के बाद वो नीमच मंदसौर के सांसद हैं। उस नाते उन्हें अपने उस मतदाता के प्रति भी एक धर्म है, उसका भी निर्वाह करना चाहिए और उन्हें इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होना चाहिए। उनके पास अगर कोई तर्क है तो उनको रखें, वरना बाकी जनता के तर्कों को सुनें और हमारे नीमच मंदसौर के सांसद के रूप में वो एक्ट करें। हमें विश्वास है कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन अगर दुर्भाग्य से वो ऐसा नहीं कर पाए तो नीमच और मंदसौर की जनता को कुछ करना पड़ेगा और वो करना ये है कि जनता के बीच में जागरण करना और जागरण करके उस विनाश रथ को पीछे की ओर लौटाना, उसको हम कामयाब नहीं होते। देखिए, ये जब फैक्ट्री लगी थी यहाँ पर, उस वक्त यहाँ के किसानों ने अपनी ज़मीन इसलिए दी थी कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोगों को बिजनेस मिलेगा और यहाँ का क्षेत्र खुशहाल होगा। ये ज़रूर था कि CCI की सीमेंट से जो डस्ट उड़ती थी उनके खेत कई नष्ट होते थे, पर उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं करते हुए सरकार को ये ज़मीन दी और CCI फैक्ट्री लगी। CCI फैक्ट्री लगी और बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे प्राइवेट फैक्ट्री आना शुरू हुई उसके बाद से सीमेंट फैक्ट्री की हालत ख़राब होना शुरू हो गई। उसके पीछे कारण साफ नज़र आता है कि जो यहाँ पर प्राइवेट सीमेंट फैक्ट्री आई, उन्होंने CCI को बंद करने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाए और कुछ अपने राजनेताओं को और अधिकारियों को ये प्रलोभन दिया और धीरे धीरे इस सीमेंट फैक्ट्री की हालत ख़राब करी और जो भी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब स्थिति ये है कि सरकार ने इतने सालों तक इसको, चाहे यहाँ कि कोई भी सांसद रहा हो, किसी भी पार्टी का सांसद रहा हो, उसने हर बार ये आश्वासन दिया है कि हम सीमेंट फैक्ट्री को चालू करवाएंगे, लेकिन आज तक न तो कांग्रेस के सांसदों ने इसके बारे में कोई ठोस प्रयास किया, न बीजेपी के सांसदों ने इसके बारे में कोई ठोस प्रयास किया।
अब स्थिति ये है कि सरकार इस फैक्ट्री को बेचने के लिए बिल्कुल कहना चाहिए कि जो 3.5-4 हज़ार करोड़ की फैक्ट्री है उसे 400 करोड़ में बेच दे, तो ये एक कहना चाहिए कि साफ साफ नज़र आता है कि हमारी सरकार जनता के प्रति कितनी लाइबल है, कितनी उत्तरदायित्वपूर्ण है, या किस तरह से पूंजीपतियों के हाथों में खिलौना बन के काम कर रही है। तो हम लोगों ने ये देखा जब प्रेस विज्ञप्ति निकली अखबार के अंदर, तो हम सब ने सोचा कि इस तरह की जो हरकतें हो रही है उसको रोकना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने एक संघर्ष समिति गठित की और उसके अंदर जो है यहाँ के जितने सामाजिक संगठन हैं और जितने भी दूसरे संगठन हैं उन सब से मिलकर इस बात की चर्चा करी, और उनको वो भी लगा कि ये फैक्ट्री चालू होने चाहिए, ताकि क्योंकि रोज़गार की हालतें दिन पर दिन ख़राब हो रही है। अगर सीमेंट फैक्ट्री चालू होती तो निश्चित रूप से इस शहर के अंदर यहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार मिलेगा, जब रोज़गार मिलेगा तो उसका पैसा बाज़ार में आएगा, बाज़ार में आएगा तो बाज़ार भी चलेगा और लोगों के धंधे चलेंगे। ये सारी सोच हमारी है और हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इस फैक्ट्री को बंद करने के बजाय या प्राइवेट हाथों में देने के बजाय सरकारी क्षेत्र में चालू करें। और दूसरा, इस क्षेत्र के सांसद महोदय से भी मेरा ये कहना है कि सांसद ये नहीं समझे कि भाजपा के या कांग्रेस के या इस तरह के राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखें, वो एक सांसद के नाते देखें कि नीमच मंदसौर का सांसद होने के नाते उनका क्या कर्तव्य है इस क्षेत्र के प्रति, उसको समझे और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, और उसके लिए सभी से चर्चा करें और केंद्र सरकार के सामने पुरजोर तरीके से, जैसा कि कहा जाता है सांसद के बारे में कि सांसद बहुत वो श्रेष्ठ सांसद हैं, तो अपनी श्रेष्ठता सीमेंट फैक्ट्री को चालू करने